सूर्यकांत, विभागाध्यक्ष हूँ रेस्पिरेटरी मेडिसिन विभाग का और किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ में। और आज हम लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बनाई है अस्थमा के संबंध में। क्यों बुलाई है? क्योंकि हमारे देश में 3 करोड़ लोग अस्थमा के रोगी हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में लगभग 60 लोग अस्थमा से पीड़ित हैं और ये दुर्भाग्य है कि अस्थमा का सर्वश्रेष्ठ इलाज वो इन्हेलर चिकित्सा है, लेकिन केवल 5 में से 1 अस्थमा का रोगी इस इन्हेलर का इस्तेमाल करता है। बाकी 4 जो हैं वो अपना बड़ा दुखी और कष्टमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं, वो अस्थमा का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। इसके लिए मैं प्रियंका चोपड़ा जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने आगे आकर और ये सत्य स्वीकार किया है कि 5 साल की वर्ष से उनको अस्थमा था और आज तक वो इन्हेलर का इस्तेमाल बराबर तब से कर रही हैं। तो मैं सभी अस्थमा रोगियों से कह सकता हूं कि जब प्रियंका चोपड़ा जी अस्थमा होते हुए इन्हेलर का इस्तेमाल कर सकती हैं, तो आप लोग भी इन्हेलर का उचित इस्तेमाल करें और स्वस्थ जीवन जिए। सर, इसकी ये निःशुल्क उपलब्ध होगा? देखिए, ऐसा है कि मैं तो मेडिकल कॉलेज में हूं और हमारे मेडिकल कॉलेज में जो अस्थमा की डायग्नोसिस के लिए टेस्ट होता है वो बीपीएल कार्ड धारकों को निःशुल्क होता है, लेकिन जिनके पास बीपीएल कार्ड नहीं है उनके लिए मात्र 200 रुपए में ये जांच हो जाती है। दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि बच्चों पर खास तौर पर ध्यान रखें। ऐसे बच्चे जिनको जल्दी जल्दी छींकें, सर्दी जुकाम खांसी आता है, पसली चलती है या खेलते समय जिनकी सांस फूल जाती है, उनमें से 3 बच्चों में आगे चल के अस्थमा हो जाता है। तो खास तौर पर मेरे उन बच्चों के माता पिता से निवेदन है कि अगर बच्चे को जल्दी जल्दी मौसम बदलने पर छींके और सर्दी जुकाम होता है तो ऐसे बच्चों को अस्थमा हो सकता है आगे चलकर, उनकी कृपया जांच अवश्य कराएं। और जब बच्चा 6 वर्ष या उसके ऊपर हो जाए तो उसकी पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट की जांच, जो हमने कहा कंप्यूटर की जांच होती है, फेफड़े की, उसकी जांच जरूर कराएं। जांच की व्यवस्था सर मेडिकल कॉलेज में ही होगी? नहीं, जांच की व्यवस्था अभी तो मेडिकल कॉलेज में है। इसके अलावा ये जो हमारे कैंप्स लगते हैं उन कैंप्स में जो मशीन दिखाई थी हमने, उसकी वो कैंप में निःशुल्क जांच होती है। ये अभी पूर्वी उत्तर प्रदेश के 6 जिलों में, जैसे मैंने बताया, लखनऊ, बाराबंकी, कानपुर, गोरखपुर, अन्य शहरों में ग्रामीण अंचल खासतौर पर यात्रा जाएगी मोबाइल वैन के साथ। और इसमें हम ग्रामीण भाइयों को ये अवेयर करेंगे, जागृत करेंगे अस्थमा के बारे में कि अस्थमा क्या होता है, कैसे बच सकते हैं और इन्हेलर ही इसका एकमात्र इलाज है। और इसके साथ साथ ये प्रियंका चोपड़ा जी का वीडियो भी उसमें दिखाया। सर, ये ग्रामीण इलाकों में कब तक पहुंचेगी? ये ग्रामीण इलाकों का पूरा शेड्यूल है, ये आपको प्रेस रिलीज में लिखा हुआ है किस तारीख से कहां से होकर यात्रा गुजरेगी। तो दोबारा हम आपको याद